गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। इट्स मी आशा एंड यू आर वॉचिंग आशाज वर्ल्ड। होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। वीकेंड था तो हमारे हॉस्टल में बने थे आलू मटर और कीमा था, तो उसके साथ मैंने रोटी खाई थी और रात में मैंने राइस खा लिए थे। क्योंकि रोटी तो मुझे बस कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभार मेरा दिल करता कि मैं रोटी खा लूँ, अदरवाइज़ तो मेरा दिल करता है सुबह दोपहर शाम बस चावल 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 ही हों। मुझे चावल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठे नहीं पसंद, बट वाइट वाले भी खा लेती हूँ, ब्राउन वाले भी खा लेती हूँ, और बिरयानी तो वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस अपना खाना वगैरह डाल के मैं रूम में ले आई थी और बस रूम में आके मैंने फुल रोटी खा ली थी। दोपहर में ये और रात में मैंने राइस खा लिए थे। उसके बाद मेरे पास काफ़ी दिन से लाइक महीने से ज़्यादा हो गया था सोन हलवा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार आज इसको थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, क्योंकि खाने के बाद थोड़ी मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो इसका टेस्ट वैसे का वैसे ही था जैसे बिल्कुल फ्रेश पहले बॉक्स परचेज़ करा हो, और उसके बाद जो फ्रेश फ्रेश टेस्ट होता है, थोड़ा सा बस वो हार्ड, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा वो था हार्ड, बट टेस्ट बहुत मज़े का था इसका। तो मैंने पहले तो दो तीन बाइट्स खा ली थी इसकी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार बस अब रख देती हूँ, इतने ज़्यादा नट्स वगैरह तो गर्म भी होते हैं तो थोड़ा ही ठीक है। बट उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा नहीं यार और खा लेती हूँ थोड़ा सा। इस तरह करते करते मैंने 5-6 बाइट्स ले ली थी इसकी। बहुत बहुत मज़े का था, मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वैसे भी वीकेंड्स पे तो आपको पता चल ही गया होगा वीडियोस के अंदर के लाइक इतनी उजड़ी सी हालत होती है, इतनी उजड़ी सी हालत होती है कि पता नहीं बंदा पहचाना ही नहीं जाता वीकेंड पे। और आजकल हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे लाइक खाने पीने या फिर कहीं घूमने, कहीं भी नहीं जा रहे, बस वीकेंड्स हमारे गुजरते हैं। हम उठते हैं कोई दोपहर में, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, शॉवर वगैरह लेते हैं, रात हो जाती है, बस लेटे रहते हैं लेटे रहते हैं। अगर बाहर जाना भी हो तो बस ये हॉस्टल के सामने वॉक कर लेते हैं थोड़ी बहुत, बस आजकल यही हो रहा है। और वर्किंग डेज़ के अंदर तो वैसे ही यही कुछ होता है लाइक आप उठे हो, आप ऑफिस गए हो, आप आए हो, खाना खाया और आप सो गए हो। और वीकेंड्स पे बस यही है, काम नहीं करना, काम की जगह बस आपने लेटे रहना है लेटे रहना है। तो आजकल कहीं भी नहीं जा रहे, तो मैं सोच रही हूँ कहीं जाऊँ, थोड़ी वीडियोज़ थोड़ी डिफरेंट हों। बट इस वीडियो में भी थोड़ा मैंने डिफरेंट किया है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मैंने पार्सल मंगवाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार उनकी वीडियोज़ भी ऐड कर देती हूँ बीच में। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि यार बस बहुत हो गया, इतना ही खाना चाहिए, तो मैंने बस बॉक्स बंद कर दिया था। तो ये कुछ पार्सल्स थे ऑफिस जाने से पहले, मैंने सोचा कि दिखा दूँ आप सबको। तो नेक्स्ट डे था और पार्सल्स भी थे। तो ये वाला बैग बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा बैग है, मुझे बहुत पसंद आया है। और इसका कलर भी मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच करके लिया था, क्योंकि मैंने घर जाना था नेक्स्ट मंथ, तो मैंने थोड़ी बहुत पार्सल्स ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि जाके शॉपिंग तो मैं बहुत टाइम हो गया नहीं की इतनी। तो ये बैग इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, आई रियली रियली लाइक दैट बैग। इसके साथ छोटू सा क्यूट सा पाउच है जिसके अंदर आप पैसे वगैरह रख सकते हैं, और साथ में ये टॉट बैग है, और साथ में इतना प्यारा सा क्यूट सा नोट था इसके साथ, और बैग की स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा थी। और मुझसे तो सब्र ही नहीं था हुआ, मैंने सोचा था कि मैं जब घर जाऊँगी ना अपने ड्रेस के साथ मैच करके न्यू ड्रेस के साथ लेके जाऊँगी, मगर आज मैं ये ऑफिस ले गई थी क्योंकि इतना प्यारा था, मुझसे रहा ही नहीं था जाना, मैंने कहा कौन वेट करे इसका। और मैंने ये वाला ड्रेस लिया था लाइक घर जाऊँगी तो ये पहन के जाऊँगी, इसका कलर बहुत प्यारा, इसका कलर वैसे ही आजकल मुझे पता नहीं क्यों ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन ऑलिव, उस पर इतना क्रेज़ आया हुआ है। तो मैंने इसका शर्ट भी मज़े की थी, इसका ट्राउज़र भी मज़े का था, लाइक सिंपल सी शर्ट थी, लॉन्ग बिल्कुल लॉन्ग शर्ट थी, साथ में इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी डिसेंट हुई हुई थी, बैक लाइन बहुत मज़े की थी, और इसका ट्राउज़र, मुझे ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक मैंने ये ड्रेस ट्राउज़र की वजह से ली है। और इसके साथ बैग भी सेट मैच हो रहा था। मैंने दो स्टॉलर्स भी लिए थे लाइक एक ये स्कार्फ अपने ड्रेस के साथ मैच कर रहा था, और दूसरा एक मिनी शॉल टाइप ली थी विंटर्स के लिए, लाइक बंदा अगर कहीं वॉक वगैरह करने जाता है विंटर्स में तो बस वो छोटी सी शॉल ले लेता है साथ में। तो ये मेरा तीनों का 3-पीस अच्छा बन गया था स्कार्फ के साथ, तो मैंने कहा चलो ये भी हो गया। और ये वो मिनी शॉल सी है, थोड़ी सी ज़्यादा मोटी नहीं है बट लाइट सी है,
और मज़े की है। इसका टेक्सचर भी अच्छा है और कलर वाइज भी ब्लैक एंड पर्पल सा कलर है इसका, तो बहुत प्यारी सी है। तो मैं लेके गई थी नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट डे मैं इसको वॉक पे लेके गई थी। सो इसमें ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, लग रही अच्छी खासी आपकी ठंड वगैरह भी कवर हो जाती है। तो मुझे मेरे पार्सल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। अभी मेरे 2-3 पार्सल्स और भी आएंगे तो वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी। तो मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया था, मैंने सारा सामान अपने इसी बैग में डाल दिया था, तो मैंने कहा चलो बस अब चलते हैं। उसके बाद ऑफिस चली गई। ऑफिस आने के बाद हम लोगों का आए तो कुछ खाने का दिल कर रहा था, बारबेक्यू खाने का दिल कर रहा था, तो राइस पड़े हुए थे, आपी ने राइस बनाए हुए थे, उसके साथ बारबेक्यू। और उसके बाद बस नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे उठ के मैंने एक खजूर खा ली। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ऑफ़िस के लिए तैयार हो गई, ऑफ़िस वगैरह चले गए। लाइक इसी तरह नेक्स्ट डे तो इसी तरह ही गुजरा था, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी। उसके बाद ATM जाना था, उसके बाद रात को आके थोड़ी बहुत वॉक करी थी खाना खाने के बाद। तो ये किसी की गाड़ी थी, उसके ऊपर मैंने कहा चलो यार अपना नेम ही लिख देती हूँ। मुझे तो वैसे ही जब गाड़ी पे इस तरह हुआ होता है तो इतना मज़ा आता है नेम वगैरह लिखने का। तो उसके बाद बस नेक्स्ट डे कपड़े वगैरह प्रेस करके मैंने पास रख लिए, खाना वगैरह खाया, तो बस इसी तरह दिन गुजर गए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बी हैप्पी।